भैरव जी की जो विशाल भंडारा हम हर साल करते आते हैं वो इस बार 7 दिसंबर को आ रहा है। ये भंडारा इस बार शायद ना हो पाए, लेकिन मंदिर वैसे ही फूलों से सजेगा, वैसे ही लाइटिंग से सजेगा, और हमारी गवर्नमेंट से विनती है कि उस दिन थोड़ा ट्रैफिक का इंतज़ाम रखें यहाँ पे, क्योंकि भंडारे का तो लगता नहीं है जिस तरह से कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पे हमने एक 29 नवंबर रविवार प्रातः 6 बजे प्रभात प्रार्थना रखी हुई है। मंदिर के भक्तजन इस प्रभात प्रार्थना में आएंगे और ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसको मिटाने के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ पूजन करेंगे और भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरे जम्मू वासियों से ये प्रार्थना है कि वो इस दिन 29 नवंबर रविवार को प्रातः 6 बजे मंदिर में आएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क डाले रखें, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्तजन इस प्रभात प्रार्थना में हिस्सा लेता है उसके कुंडली में कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा हो तो उसका खात्मा होता है और वही ग्रह अच्छे फल देना शुरू हो जाता है। अंत में यही कहूँगा कि सोशल मीडिया के थ्रू पूरे जम्मू को भगवान काल भैरव जी के जो मंदिर की सजावट है, मंदिर में पूजा है, सोशल मीडिया के थ्रू हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। घर में बैठ के भी आप देख सकते हैं। अगर मंदिर में माथा टेकने आप आए तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, मास्क पहने रखिएगा। पहले आज की मीटिंग में तो मैं यही कहूँगा कि 29 नवंबर रविवार को प्रातः प्रभात प्रार्थना है, आप भक्तजनों ने यहाँ पे हिस्सा लेना है और कोरोना वायरस को हम सब ने मिलकर ख़त्म करना है। जय काल भैरव।